आज बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल होती है वो कहाँ पे होती है? प्लांट्स के अंदर होती है, हमने पहले बात की थी। ह्यूमन जो लिविंग ये एनिमल हैं उनके अंदर नहीं होती है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं एक जगह पे फिक्स रहते हैं, उनको एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से सुरक्षा चाहिए, क्योंकि तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ धूप डलती है, तो इस तरह से उनको सुरक्षा चाहिए। लेकिन जो ह्यूमन हैं या एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, इसलिए सेल वॉल जो हमें प्रेजेंट नहीं होती। तो जो ह्यूमन है उनके अंदर क्या होती हैं, बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ये बीच में ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक यानी कि जेली की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है एक सेल का, अगर ह्यूमन चीक सेल लें तो इस तरह से बना होता है। ऑनियन पील सेल की बात करें, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस, हम इसको एन से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पे हमने अलग अलग थोड़ी सी करके दिखाई है। ये है सेल मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे ये होगी सेल मेम्ब्रेन, और इसके बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज़ होती है, ये होती है सेल वाल। ये सेल वाल होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करती है। ये प्लांट्स के केस में बात कर रहे हैं, ह्यूमन या जो एनिमल के केस में ये नहीं होती, इनके केस में होती है जो प्लांट्स होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो प्लांट सेल वॉल है ये किस चीज़ की बनी होती है, जो ये सेल वॉल है ये मेनली बनी होती है हमारी सेल्यूलोज की। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि किस चीज़ की ये बनी होती है। तो ये मेनली बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है, एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कि एक काफ़ी एक मिक्स सा सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, प्लांट को एटमोसफियर से सुरक्षा प्रोवाइड करता है, तो इसलिए सेल्यूलोज की ये बनी होती है। अब देखिए इसके अंदर जो लिविंग प्लांट सेल हैं, जो इस तरह के लिविंग प्लांट सेल हैं जो हमने बात की, या कोई पत्ता ले लीजिए, कोई भी पेड़ ले लीजिए, पौधा ले लीजिए, लिविंग जो प्लांट सेल हैं, अब ये जो है वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू लॉस करते हैं या लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, या तो वो फूल जाते हैं या वो श्रिंक कर जाते हैं। तो या तो वो श्रिंक करेंगे यानी कि सिकुड़ेंगे, या फिर वो स्वेल करते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं, तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। एक तो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हम पहले देख चुके हैं, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, हाइपरटोनिक के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, तो यहाँ स्वेलिंग होती है, तो यहाँ पे स्वेल होता है। आइसोटोनिक के अंदर जो सेल है वो सेम रहती है, और हाइपरटोनिक के अंदर वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, तो श्रिंक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। तो श्रिंक और स्वेल करता है जैसे ही ऑस्मोसिस होती है, वाटर अंदर जाता है या वाटर उससे सेल से बाहर आता है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक रीहो का लीफ ले लीजिए, एक रीहो जो है पौधा उसका पत्ता ले लीजिए। तो आपने एक रीहो का लीफ ले लिया, अब उसके अंदर देखिए आप उस पत्ते को एक स्लाइड के ऊपर रख दीजिए, एक जो कांच की स्लाइड है इस तरह की, इसके ऊपर आप उसको रख दीजिए। अब इसके अंदर लेने के बाद आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इसके अंदर जो पत्ता होता है हमने जो लिया है हरे कलर का, तो इसके अंदर ग्रीन ग्रेनुअल्स होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है जो आपने लिया है। तो ग्रीन जो ग्रेनुअल्स होते हैं इसके अंदर, ये ग्रीन ग्रेनुअल को आप क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं, आप इनको क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट आप इनको बोलते हैं। पत्ता है हरे रंग का, जो आपने पत्ता लिया उसके अंदर ग्रीन ग्रेनुअल होंगे जिनके कारण वो हरा प्रतीत होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। अब आप क्या कीजिए, आपने यहाँ पे रख लिया, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आपको सोल्यूशन लेना है, शुगर का ले लीजिए, साल्ट का ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू जो आपकी रिक्वायरमेंट है, शुगर का ले लीजिए और साल्ट का सोल्यूशन आप इसके ऊपर ड्रॉप्स गिरा दीजिए। तो ये लेने के बाद आप एक मिनट के लिए वेट कीजिए और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए जब शुगर का सोल्यूशन लेंगे या साल्ट का सोल्यूशन लेंगे तो अलग अलग तरह से इसके अंदर प्रोसेस होगी, तो श्रिंकेज भी होगी। अगर आप साल्ट का लेते हैं या शुगर का लेते हैं तो इसके अंदर आप वो स्वेलिंग भी देख सकते हैं, प्योर वाटर लेते हैं तो वो भी अलग अलग तरह की आप इसके अंदर जो है प्रक्रिया देख सकते हैं, क्योंकि आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। तो एक बार तो आपने हरा पत्ता लिया, उसके ऊपर ये सारा टेस्ट किया और आपने देखा कि श्रिंक हो रहा है या सेम है या स्वेल कर रहा है इस तरह से। अब लेकिन आप क्या करें, अगर आप इस पत्ते को एक उबाल लें, गर्म पानी के अंदर उबाल लें, आपने इसको बॉयल कर लिया,
तो बॉयल कर लिया। बॉयल करने से क्या हुआ, इस पत्ते की जो सेल्स हैं वो मर जाती हैं। अब जो ये सेल्स जो हैं मर जाती हैं, तो उसके कारण क्या होगा, जब आप इसको दोबारा से इसी तरह से टेस्ट करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं अगर लिविंग हैं तभी ये काम करेगा जो ऑस्मोसिस है। डेड सेल पे कोई भी एब्जॉर्ब वाटर नहीं होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी। तो ये यहाँ से हम इस एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए जो ये सेल वाल है, जो हमने इसका फंक्शन देखा कि ये इसका फंक्शन क्या है कि जैसे ये श्रिंक होता है या ये फैलता है कोई भी जो सेल है, तो वो जो उसको ब्रस्ट होने से बचाती है। ये जो सेल वाल है इसको जितना ये फैलेगा तो बाहर से ये प्रेशर लगाएगी ताकि ये फटे ना। इसी तरह से अगर जितना सिकुड़ेगा उसको बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है उसको वो इक्वल प्रेशर देगी ताकि ये टूटे ना। तो टूटने से इसकी हेल्प करती है सेल वाल, तो इसलिए ये ज़रूरी होती है प्लांट्स के अंदर। तो ये था हमारा सेल वाल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।